हम लोगों ने आज एप्लीकेशन तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना है। सो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दिस इज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। जिन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी आता था तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसका कुछ पार्ट जो है वो आपका सिर्फ यहां पे जो है यूज होगा इस वाले चैप्टर के अंदर। जैसे साइन कॉस टैन, सिर्फ ये तीन आपके यूज हो जाएंगे, बाकी सारे कोई आपके ज्यादातर यूज होंगे नहीं इसके अंदर हमारे, साइन कॉस टैन के अलावा। मोर ओवर, ओके ओके बेटा, मोर ओवर इसमें दो हमारी नई और टर्म्स यूज हो रही है, वो भी हम लोग कवर अप करेंगे। जैसे आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हम ये वाले एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो इस एंगल के सामने जो साइड है उसको हम लोग बोलते हैं पीछे परपेंडिकुलर, नीचे की तरफ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस, और 90 की जो ऑपोजिट रहता है वो आपका रहेगा दैट इज हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को हम लोग पी लिखते हैं, बेस की हम लोग बी लिखते हैं, हाइपोटेनस के एच लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टैन थीटा, टैन होता है आपके पास साइन अपॉन कॉस, लिख लो साथ साथ, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, पी बाय बी आ जाएगा। अब सेकंड, अभी आप देखो बेटा जिस भी आप स्टडी टेबल बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आपके सामने वाली जो वॉल है, वॉल के एकदम टॉप पे देखो, आप सामने वॉल पे ऐसे देखोगे ना टॉप पे, तो ऐसे ऊपर की तरफ हमें देखना पड़ेगा। तो जब हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज एक ग्राउंड लेवल है, आप यहां से कहीं बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे हो, ये भी सपोज बिल्डिंग है, आप ग्राउंड पे आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो आपका जो एंगल बनता है वो आपके आईज के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा। तो जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसे ही किसी में बिल्डिंग के टॉप पे हूं और वहां से कहीं बॉटम पे देख रहा हूं, तो वहां से हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा थीटा, दिस एंगल इज थीटा। जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के लिए दूसरे क्या कैसे कंसीडर कर सकते हो, आप अभी देख रहे हो अपने हॉरिजॉन्टल के साथ, आप बॉटम में नीचे की तरफ एकदम वो वॉल का जो बॉटम है वहां देखूंगा तो डिप्रेशन होगा, ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एलिवेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला एंगल जो होता है आइस के साथ में, ये वाला एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा। अब ये जो एंगल जो होता है ये हॉरिजॉन्टल और जो बेस है ये दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, थीटा आ जाएगा। क्लियर है बात सभी को, इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? ग्रेट। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि आपके पास एक बिल्डिंग है, क्वेश्चन से पहले टेबल्स रिवाइज कर लेते हैं, हो सकता है सबको टेबल्स याद ना हो। एंगल दोबारा, हम लोग तनिष्क अगर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे देख रहा हूं तो डिप्रेशन बनेगा। डिप्रेशन में एंगल में दोनों जगह बनाना पड़ता है, क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि डिप्रेशन में एंगल होता ऊपर है, वो तो लाइन पैरेलल होती है जिसकी वजह से क्वार्टरली इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो बॉटम पे एंगल आपका थीटा आ जाएगा। क्लियर है? अब आपके पास एंगल होता है 0 0 30 45 60 एंड 90। यहां पे आ जाएगा साइन कॉस टैन, इसके लिए आपको टेबल आपको याद होगा, साइन जीरो वैल्यू होती है जीरो, साइन थर्टी वन बाई टू, साइन फोर्टी फाइव वन बाई रूट टू, रूट थ्री बाई टू एंड वन। नेक्स्ट के लिए टेबल आप उल्टा कर देंगे, यहां पे आपके पास आ जाएगा वन बाई टू और यहां पे आ जाएगा कॉस नाइनटी, दैट इज अगेन जीरो। फिर टैन, टैन की वैल्यू होती है साइन अपॉन कॉस, जीरो बाय वन इज जीरो, 1 by 2 divided by root 3 by 2 that is equal to 1 by root 3, 1 by root 2 1, 1 by root 2 1, root 3 by 2 divided by 1 by root 2 which is equal to root 3, 1 by 0.
तो 1/0 आपके पास कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। 1/0 इज नॉट डिफाइंड। यहां पे हमारे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे इस चैप्टर के अंदर, सब में आपको फिगर बनानी इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप फिगर को नहीं बनाओगे या फिगर आपकी गलत बन जाएगी तो उसकी वजह से आपका जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो आपका गलत हो जाएगा। सो एग्जांपल नंबर 1, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1, पेज नंबर 198, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 15 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। आपके पास यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपके पास एक टावर है दैट इज स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड, तो फुट से 15 मीटर दूर आपके पास 15 मीटर दूर एक पॉइंट है, वहां से आपने क्या करा बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। टॉप पे देख रहे हैं तो एंगल कितना आ रहा है वहां पे 60 डिग्री आ रहा है। फर्दर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर ए भी रहेगा, रिज्यूम कर लेते हैं वो हमारा कितना है h है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि इस एंगल के हिसाब से बिल्डिंग ये हमारा क्या हो जाएगा, सामने या तो परपेंडिकुलर, नीचे क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में रिलेशन क्या होता है दैट इज tan theta, तो यहाँ अप्लाई करेंगे tan 60 इज इक्वल टू ab by bc, h अपॉन 15, tan 60 की वैल्यू होती है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा आपका 15√3 मीटर्स, दिस इज योर हाइट 15√3, ये स्केल से नहीं बनाना, रफ एंड है, स्केल से बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, सबको समझ आ गया, ये आपके पास एंगल था, एंगल सामने हाइट है, परपेंडिकुलर है, ये क्या बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस में रिलेशन क्या होगा टैन थीटा। अगर बोले कि बिल्डिंग के टॉप पे पहुंचने के लिए लैडर रख रहे हैं, लैडर मतलब सीढ़ी, तो सीढ़ी की लेंथ निकालो, तो उसके लिए क्या निकालना है मेरे को, ये वाला पार्ट निकालना है एसी, तो होगा क्या इस एंगल के हिसाब से आपके पास हाइट भी है, बेस परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, निकालना क्या है ये हाइपोटेन्यूज है, तो मैं यहाँ पे साइन थीटा भी लगा सकता हूँ, कॉस थीटा भी लगा सकता हूँ, अगर साइन लगाऊंगा तो साइन 60, साइन 60 के लिए हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज एबी बाय एसी, ये हो जाएगा √3/2 एबी, एबी की वैल्यू है 15√3 अपॉन एसी, रूट से रूट थ्री कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 × 30 समझ आ गया, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 meters, तो आप पहले पोल बनाओगे 5 meters का, यहाँ पे आपने क्या करें पोल बनाया, पोल कहाँ पे होगा ग्राउंड पे होगा, तो ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पोल रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे की हाइट आपको कितनी गिवन है 5 meters गिवन है, इस पूरे की हाइट आपको 5 meters है। आगे शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 meters बिलो द टॉप ऑफ द टावर, रिपेयरिंग वर्क कहाँ पे है 1.3 meters बिलो द टॉप, जो लोग बिना बुक के बैठे हुए हैं उनको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी। She needs to reach a point 1.3 meters below the top of the pole to undertake the repair work. अब इस पोल पे काम कौन है
टॉप से 1.3 मीटर नीचे सपोज कर लेते सी पॉइंट पे, तो ए से सी तक कितना डिस्टेंस है आपका 1.3, सी से डी कितना हो जाएगा दैट विल बी 3.7 बिकॉज पूरा कितना हमारा 5 था। अगेन नाउ टू रिपेयर दिस व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट ही शुड यूज्ड व्हेन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। लैडर की लेंथ लैडर कैसे रखेंगे, ऐसे लैडर रखेंगे और लैडर कितने एंगल पे है 60 डिग्री है, क्या कर रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, तो लेंथ ऑफ द लैडर निकालने के लिए क्या निकालना है सीडी या बीडी, लेंथ ऑफ द लैडर निकालने के लिए क्या निकालना है सीडी निकालेंगे या बीडी निकालेंगे, यूज चैट बॉक्स। वेरी गुड आयरा, अंजिका, तेजल, तनिषा, ये हमारे लैडर की लेंथ रहेगी, तो लैडर की लेंथ को एल ले लेते हैं। अब यहां पे गिवन क्या है, इस एंगल गिवन है 60 डिग्री, इस एंगल के सामने क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में रिलेशन क्या हो जाएगा साइन थीटा। सो हम लोग अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल सीबीडी साइन 60 इज इक्वल टू बीसी अपॉन सीडी साइन 60, बीसी की वैल्यू 3.7 है, sin 60 that is equal to root 3/2 cross multiply 3.7 into 2 7.4 divided by root 3, denominator में root नहीं होता तो हम लोग इसको rationalize कर लेंगे, तो length is 7.4 root 3 divided by 3 7.4 into 1.73 डिवाइड बाय 3, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे आंसर डेसिमल में आ जाएगा। एंड वन मोर थिंग, हो सकता है आपके पास कुछ क्वेश्चंस आए जिन क्वेश्चंस में लिखा होगा कि यूज रूट 3 इज इक्वल टू 1.73, जिन क्वेश्चन में एंड में ये नहीं लिखा होगा कि यूज रूट 3 इज इक्वल टू 1.73, उन क्वेश्चन में डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप ये वाली फॉर्म तो थी इसके ऊपर वाली यहां पर छोड़ सकते थे आंसर को, ठीक है। जिस क्वेश्चन में लिखा होगा यूज रूट 3 वहीं पे वैल्यू निकाल के डेसिमल में, वरना निकालने की जरूरत नहीं। फर्दर अब इसी क्वेश्चन में अगर हम देखें, अगर आपसे पूछे कि जो लैडर का जो फुट है वो बेस के फुट से कितना दूर है, आई रिपीट जो बेस ऑफ द लैडर है वो फुट से कितना दूर है यश, तो कैसे निकालेंगे इस एंगल के हिसाब से, ये क्या परपेंडिकुलर और नीचे वाला निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में रिलेशन क्या हो जाएगा दैट इज tan रूट tan 60 आ जाएगा, तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बीसी बाय बीडी, बीसी आपके पास 3.7 है अपॉन बीडी, tan 60 की वैल्यू होती है रूट 3, तो BD की वैल्यू हो जाएगी 3.7 अपॉन रूट 3, रैशनलाइज कर लो इसको ये जाएगा 3.7 रूट 3 अपॉन 3 मीटर्स, क्लियर, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स, नोट कर दें डन, फिगर तो सबकी बन गई होगी। इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम, एक्सरसाइज पे आ जाइए, जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होंगे पहले उसको कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आपके पास बोल रहे हैं सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, सर्कस में एक पोल है, पोल से हमने रस्सी क्या करी हुई है ऐसे बांधी हुई है कहाँ पे ग्राउंड में, तो 20 आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपको 20 गिवन है,
रोप की जो लेंथ है वो आपका कितनी है, 20 है। फर्दर विच इज इंक्लाइन टू एन एंगल ऑफ मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर इट टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर्स। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत क्वेश्चन पढ़ दिया। आपके पास आगे बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड इज 30 डिग्री। हाइट ऑफ द पोल ये एच निकालना है और ये जो एंगल है हमारे पास कितना आ गया 30 डिग्री। अब इस एंगल के हिसाब से ये गिवन है आपको परपेंडिकुलर और ये गिवन है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज sin थीटा। तो sin 30 is equal to perpendicular upon hypotenuse AB by AC। sin 30 1 by 2 AB की वैल्यू में h है, AC is 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हाइट आपके पास कितनी आ जाएगी दैट इज 10 मीटर्स। हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर्स। फेजर अब अपनी एरर अपना चेक कर लेना कि कहां एरर हुआ आपके क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन to play in a park. For the children below 5 years of age, she prefers to have a slide whose top is at 1.5 and inclined at 30 degree. इसका मतलब क्या है? कैसा स्लाइड लगा हुआ है? स्लाइड में अंदर 30 डिग्री है और जो टॉप है वो 1.5 मीटर्स के टॉप हाइट पे है। फर्दर Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meters, inclined at 60 degree. What should be the length of the slide? यहाँ पे ये 60 degree है, height 3 meters हो गई है, तो length of the slide निकाल लें। Length of the slide के लिए इस angle के हिसाब से ये perpendicular है और ये क्या है? Hypotenuse। अप्लाई करो साइन 30, एसी की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड वाले केस में आपके उसको पेंडिकुलर है, आपका एसी निकालना है, अप्लाई करो साइन 60 इज इक्वल टू एबी बाय एसी। क्लियर है सभी को? जसकरण प्रांजल क्लियर है बेटा? तरनप्रीत सिंह क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? इसको आगे खुद ही सवाल पढ़ लो। अब मैं जितने भी आगे क्वेश्चन होंगे ना इसी फॉर्म में छोड़ दूंगा, आपको खुद करना है। यहाँ पे बच्चों छोटे बच्चों का जो स्लाइड है उसकी हाइट 1.5 है, एंगल 30 है, इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर लग रही है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज रिलेशन ऑफ द साइन थीटा। नीचे भी यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकाल लें तो साइन 60 लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर्स अवे इज 30 डिग्री। ये क्या बोल रहा है? आपके पास ग्राउंड पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने बिल्डिंग के टॉप पे देखा, टावर के टॉप पे देख रहा हूं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और ये पॉइंट कहां पे है? 30 मीटर अवे है। यही क्वेश्चन में गिवन है हमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। सो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यहां से हाइट निकालनी है, तो इस एंगल के हिसाब से सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। नीचे क्या होता है? बेस। तो पेंडिकुलर अपॉन बेस में रिलेशन क्या हो जाएगा? टैन थीटा। अप्लाई कर दो टैन 30 इज इक्वल टू एच अपॉन में 30,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर रूप में यस आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ये आ जाएगा 30/√3। रैशनलाइज कर लेंगे तो हाइट आपके बता देगी 10√3 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 meters, at a height of 60 meters above the ground. A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. Assume कर लेते हैं यहाँ पे कोई kite है, कितने distance पे ground से, 60 meters पे, तो ये 60 हो जाएगा। अब इसके बाद the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. अब जो kite है, किसी string से आपका attached होगा, तो उसको हमने कहीं point on the ground पे हमने उसको tie कर दिया है, ध्यान में कितना बन रहा है 60 degree का। तो आपके पास बोल रहा है फाइंड दी लेंथ ऑफ दी स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ दी स्ट्रिंग का मतलब ये रहा एल। तो इस एंगल के हिसाब से क्या लेवल है, गर्थ क्या है, ये परपेंडिकुलर निकालना, ये क्या है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन में एसी। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे आंसर आ जाएगा। क्लियर। आसान है, मुश्किल है चैप्टर। प्रप्रीत, दिया, यश, लवली, क्या ये चैप्टर आसान है? आसान है, सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना आंसर आ जाएगा। और आसान तभी जब फिगर आएगी, और फिगर ही गलत अगर बनाओगे तो सारा काम खराब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को, 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये रहा 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये क्वेश्चन अलग है, तो पहले समझ लेना फिर फिगर बनाना। ए बी बॉय है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, किसी डिस्टेंस में, ये रहा डिस्टेंस में, किसी बिल्डिंग से दूर खड़ा हुआ है। बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, 30 है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे आपको क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे जैसे वो बिल्डिंग के पास जा रहा है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो पहले 30 था, उसके बाद कितना हो गया, 60 हो गया। क्लियर है जी, सभी को फिगर समझ आ गया कैसे बनाया। ए बी इज अ बॉय 1.5, सी डी जो है वो हाइट है 30 हो जाएगा, वो धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहा है, जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप वो 30 से 60 हो गए। यहाँ पे 30 हो गए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आपको समझ जाए नहीं बात क्या, ए बी 1.5 है, ई एफ 1.5 है, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा आपका, 1.5 हो जाएगा, जिससे सी एफ की वैल्यू ये आपके पास आ जाएगी 28.5 मीटर। क्लियर, ये इसकी वैल्यू जो है यहां देगी 28.5 मीटर।
सर क्या लिखा है, सीजी की वैल्यू 28, सीजी अच्छा ये जी हो जाएगा सॉरी नॉट एफ, ये पॉइंट जी ले लेंगे, यू आर राइट। अब आगे आपके इस क्वेश्चन में करना है, क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड, डिस्टेंस कितना वॉक करा है ये बीएफ, इसको लेट कर लेते हैं एक्स, एफ से डी तक ये डिस्टेंस कितना है वाई। मैं फिगर दोबारा से रिपीट कर सकता हूं, हो सकता है किसी को समझ ना आए, माय नेटवर्क इज बैड तो वाईफाई पर कनेक्ट करो। एबी इज अ बॉय जिसकी हाइट 1.5 है, 30 मीटर हाई बिल्डिंग से किसी डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, जब वो आगे की तरफ कर रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप को अपनी आईज से देखेगा ऊपर की तरफ, तो 30 से 60 हो गए, जब यहां से यहां तक चला गया, इसको एक्स लो इसको वाई, ये 1.5 ये पूरा 30 था, ये 1.5 माइनस कर दो तो ऊपर वाला बच जाएगा 28.5। निकालिए कैसे इसको, दो ट्रायंगल बन रहे छोटा एक बड़ा, छोटा ट्रायंगल ले रहा सी जी ई और एक बड़ा बन रहा है सी जी ए, तो पहले सी जी ई ट्रायंगल को सॉल्व करिए, इन ट्रायंगल सी जी ई इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा टैन सी जी अपॉन जी ई, टैन 60 की वैल्यू आपने सोची है रूट 3, सी जी होता है 28.5 अपॉन जी ई, जी कितना वाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई 28.5 अपॉन रूट 3, तो रूट 3 इन टू रूट 3 3 हो जाएगा, 28.5 को 3 से कैंसिल करेंगे जिससे y की वैल्यू आ जाएगी 9.5 रूट 3, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 9.5 रूट 3। अब क्या करना है हमें, अब बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, सी जी ए, बड़ा ट्रायंगल कौन सा बेटा, सी जी ए, सी जी ए में एंगल 30 की बना है परपेंडिकुलर ये रहा और बेस ये पूरा हो जाएगा, तो CG upon AG tan 30 is equal to CG upon AG, tan 30 की बड़ा वैल्यू है 1/√3, CG आपके पास 28.5 है, और जब हम AG की बात करेंगे A से G तक, तो A से G तक कितना ये रहा x plus y, क्योंकि जो AG होगा वही वाला क्या होगा BD हो जाएगा, that is x plus y, cross multiply करोगे आप यहां से आपके साथ जाएगा x plus y is equal to 28.5 root 3 and y की वैल्यू substitute करो 9.5 root 3, right side पे subtract कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 19√3 which is the distance the boy has moved towards the building, नोट कर लो, और 19.5 आंसर गलत आ रहा बेटा, जिसका भी आ रहा है 9√3 आएगा, 19√3। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 को दोबारा से कर रहे हैं बेटा, आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर गिवन द बॉय 1.5 मीटर टॉल स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग एंड हिज एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आईज चेंजेस फ्रॉम 30 टू 60, तो यहां से आगे तक यहां पे आ जाएगा, यहां से एंगल 30 था यहां पे आके 60 डिग्री हो जाएगा, दिस वाज 1.5 ये भी 1.5 तो ये भी 1.5 हो जाएगा डिस्टेंस, जीडी पूरा 30 था 1.5 माइनस करूंगा तो 28.5 हो जाएगा। जब इस टाइप के जब बन रहे हैं कि फिगर आपको पहले छोटा ट्रायंगल सॉल्व करना है और फिर उसके बाद बड़ा ट्रायंगल को आपको सॉल्व करना होगा, क्लियर एवरीवन, आई गेस सब लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन नंबर 2 को मिस करा था, अभी क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट
bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. बोर्ड क्लियर है? ठीक है ना? जो मैं इंटरनेट चेक कर लो बेटा अपना, एक ट्री है ए बी, ये ग्राउंड पे है, हवा चली, आंधी आई जोर से तो पेड़ टूट गया, अज्यूम कर लेते हैं सी पॉइंट जो पेड़ है वो टूट गया, इधर देखो, अब जब पेड़ जब टूट जाएगा ना तो ये ऐसे नीचे की तरफ गिर जाएगा, ये ऐसे जाए, ये ऐसे आगे नीचे गिर जाएगा, तो कुछ ऐसे आगे ट्री गिर जाएगा, तो मैं अज्यूम करता हूं कि ट्री की जो हाइट है वो एच है और ट्री बेस से एक्स डिस्टेंस से टूट गया, तो ये एसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच माइनस एक्स। अभी जो एसी है ये एच माइनस एक्स हो गया, देखो इधर नोट बाद में करो, एसी की वैल्यू एच माइनस एक्स है, तो ये वाला जो पार्ट है सीधा कैसे नीचे आके गिर गया था, तो इसकी वजह से जो सीडी है ये भी कितना हो जाएगा, एच माइनस एक्स आ जाएगा। क्लियर? ट्री की हाइट एच थी, बॉटम से एक्स हाइट से टूट गया तो नीचे एक्स, ऊपर एच माइनस एक्स, जो ऊपर वाली लेंथ है वैसे आ जाएगी, हाइपोटेनस बन जाएगा। फर्दर द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर्स, ये डिस्टेंस हमारा कितना है 8 मीटर्स है, और कितना एंगल बनाना है गिवन है, ये भी आपको गिवन होगा, एक 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, यहां पे एंगल ये 30 डिग्री बना रहा है। सॉल्व कैसे करें, अब देखिए हमें पूरी हाइट निकालनी है, इस एंगल के हिसाब से ये क्या परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा tan थीटा, दैट इज x अपॉन a, tan 30 की वैल्यू रूट 3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन रूट 3, x आ जाएगा आपके पास 8 अपॉन रूट 3, मोरओवर हमें हाइट चाहिए, हमारे पास तो आया कि बॉटम से ट्री कहां से टूटा है, आपको एच निकालना है, क्या करोगे इस गिवन एंगल के सबसे नीचे बेस है और एच यहां पे आ रहा है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा कॉस, तो कॉस 30 बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस 30 की वैल्यू रूट 3 बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई एच माइनस एक्स is equal to 16 upon root 3, यहां से x की वैल्यू आई है 8 upon root 3, सब्स्टिट्यूट कर दो, h राइट पे जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 24 upon root 3, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता तो रैशनलाइज करेंगे, जिससे ये आपके साथ जाएगा 8 root 3 meters, the height of the tree is 8 रूट 3 मीटर्स, नोट कर लो इसको। डन, समझ आ गया सभी को?